गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है क्या चीज, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे उसके अगला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुल मिला के चार चैप्टर होते हैं। ये थोड़ा सा कठिन चीज हो जाती, स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब हम स्टार्ट करते थे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन करने का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, लेकिन कुल मिला के चार पांच पोर्शन है इसमें। तो इतने सब चीजें हमको एक साथ पढ़नी होगी, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम लिख देते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है, शॉर्ट कट में इसको लिखेंगे और हमेशा पढ़ा भी जाता है यही एओडी। ठीक है, तो एओडी ही इसके ज्यादा नाम से चलता है, डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी पढ़ेंगे। इसमें एओडी में कुल मिला के चार चैप्टर होते हैं, जिसको कि अपन लोग चार चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे और आपका उसको चार पार्ट में बांट लेते हैं और चार चैप्टर बना के पढ़ते हैं। तो और चार चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें चार चैप्टर अपने जो है, नाम मैं लिख देता हूँ सबका। पहला चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टी एंड एन नाम है इसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मोनोटोनोसिटी पढ़ना है अपने को, मोनोटोनोसिटी। तीसरा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के नाम पे, मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में दो या तीन कुल मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, एक रोल्स पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज। और इसी में थोड़ा सा कॉची भी पढ़ लेंगे, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कुल मिला के इतना अपन लोग पढ़ेंगे कॉची, उससे ज्यादा यहाँ के लिए काम के लिए नहीं है, ट्वेल्थ के पर्पज से। ज्यादातर काम के लिए अपने पास कॉची के ज्यादा से ज्यादा अपने पास रोल्स और आपका मीन वैल्यू थ्योरम में निकल जाती है, कॉची का यूज हो जाता है उतने में ही। बाकी एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कंटिन्यूटी में अपन लोग पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी में कौन सा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और चौथा चैप्टर का नाम दे, ये टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मोनोटोनोसिटी हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, और चौथा चैप्टर का नाम दे इसमें, तो वो होता है मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा यानी एम एंड एम, एंड एंड एम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो ये वाली बात हो गई, और मोनोटोनिसिटी हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल का नाम अगर लिख दे तो इसका नाम है यहाँ पे टेंजेंट या नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये कुल मिला के यही चार चैप्टर पढ़ना है, और इसी चार चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और इस चारों मिला के चैप्टर एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यही चार चैप्टर का मिला जुला पार्ट होता है। अब इसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। क्या चीज, यानी पहला टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही कठिन नहीं है, और ये बहुत आसान भी नहीं है। बट एक बात है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 11th में ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से पढ़ा हुआ है 12th में तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें मैक्सिमम, देखो इसमें जो भी बात होगी वो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए बात होगी, और किसकी किस कर्व के लिए, तो कॉनिक सेक्शन के लिए बात होगी, या कुछ और सारे कर्व या कुछ और सारे फंक्शन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतर होते हैं, अलग होते हैं। यानी अगर आपके सामने सवाल आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट नॉर्मल के सवाल होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा? तो कई सारे सवाल तो दोनों जगह एक सेम टाइप से बनेंगे, लेकिन यहां हमारा विशेष फोकस होगा, विशेष हमारा ध्यान उधर जाएगा, उन फंक्शंस या उस तरह के ग्राफ, जो ग्राफ हमको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ते हैं, जैसे इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला और पैराबोला को हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खूब ज्यादा पढ़ते हैं,
है तो उनसे थोड़ा अलग कुछ साइन एक्स हो गया, कुछ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ हो गया, कुछ ऐसे जिनका जो ये जिनका आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उनको छोड़कर यहाँ पे हम ज्यादा अपना ध्यान देंगे, उनके बारे में ज्यादा हम बात करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल, पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखे तो अगर हम कहें कि इंक्लिनेशन क्या होता है, बिल्कुल वही बातें हैं जो हम क्लास 11th में हम पढ़े रहे होंगे। इंक्लिनेशन मतलब कोई भी लाइन यानी एंगल थीटा मेड बाय लाइन, कोई भी लाइन है मेड बाय लाइन फ्रॉम कहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो सर इंक्लिनेशन अगर पता चल गया इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, इंक्लिनेशन पता चल गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप कुछ नहीं होता है बच्चों, स्लोप आपका टेन यानी टेन ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप को अगर हम लिखें एम इज इक्वल टू, एम को स्लोप से डिनोट करते हैं तो स्लोप एम इज इक्वल टू टेन ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन का टेंजेंट इंक्लिनेशन। और हम ऊपर लिखे हुए इंक्लिनेशन कितना है थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा, यही आपका स्लोप हो गया। दूसरा या अगर हम यहां पे बात करें तो आपका दूसरा ये तो स्लोप हो गया, तीसरे नंबर का अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फिर स्लोप जब भी स्लोप का नाम आएगा तो वो आपका हो जाएगा इंक्लिनेशन का टेन थीटा। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको कि डिनोट करेंगे SLT से। देखो ये कई बिहार किताबों में बहुत कई जगह मिल जाता है ऐसे लिखने का, SLT मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, नीचे जो लिखा हुआ है वही आपका टेंजेंट हो गया। और इसको हम यहां के लिए डिनोट करेंगे dy by dx और जिस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पी, क्या dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो चौथा यार इसी में लिख देता हूं मैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, और नॉर्मल और टेंजेंट फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये नॉर्मल और टेंजेंट होती क्या है, तभी मैं बताता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका 1/-dy/dx एट सेम पॉइंट पी, यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी किसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कि एट पॉइंट पी, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज नॉर्मल हो जाएगा, जो उस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल। और टेंजेंट कौन होता है, टेंजेंट जो उस किसी भी कर्व को किसी भी ग्राफ को टच करते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पी पॉइंट पे टच करके निकल जाए, कट ना करे टच करके निकल जाए। तो कई बार हमारे सामने एक सवाल उठता है कि सर क्या जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है, कुछ मिसकंसेप्शन है टेंजेंट के बारे में, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है, यानी कुछ आपके सामने ऐसी बातें हो जाएंगी टेंजेंट के बारे में जो कि हमको जानना चाहिए, मिसकंसेप्शन अबाउट टेंजेंट। क्या होता है मिसकंसेप्शन, एक तो पहला यही मिसकंसेप्शन, एक मिथ होता है, मिसकंसेप्शन कहे या मिथ कहे कि कुछ इसके बारे में गलत अफवाहें हैं, क्या अफवाहें हैं, इसका अफवाह बोलते हैं, मिसकंसेप्शन का मतलब अफवाह, क्या अफवाह है भाई इसके बारे में, ऐसी अफवाह कि जो लाइन किसी कर्व को एक बार कट करे इंटरसेक्ट करे वो टेंजेंट बनती है, ये अफवाह नहीं है, मतलब क्या कि अ लाइन इंटरसेक्ट अ कर्व एट वन पॉइंट इज टेंजेंट, नहीं ये नहीं होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या हो, जैसे मान लो कैसे एग्जांपल, सर देखो ये आपका है, ये आपने टच किया, ये आपका नॉट अ टेंजेंट, ये कट किया इसको टेंजेंट नहीं बनेगा, तो सर फिर होता क्या है वो एक पॉइंट पे टच करे, किसी एक पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे लेकिन एक पॉइंट पे टच करे। अच्छा तो फिर आपका दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है भाई, ये तो एक मिसकंसेप्शन हो गया ये टेंजेंट नहीं है। दूसरा अगर हम मिसकंसेप्शन के बारे में बात करें,
एक और बात कहा जाता है दूसरा कि लोग बोलते हैं कि ए टेंजेंट इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, ये भी गलत है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा, टच कर कट करेगा, ये भी गलत है। जैसे देखो ये अगर मैंने ग्राफ बनाया ठीक है और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, देखो जाके ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर मैं पी कहूं या क्यू कहूं तो जो ये लाइन है दिस लाइन इज टेंजेंट टू पी, ये लाइन पी पे टेंजेंट है लेकिन क्यू पे टेंजेंट नहीं है, वहां पे इंटरसेक्ट करा है, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर कोई लाइन है तो वो किसी भी फंक्शन को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकता है। देखो ये पी पॉइंट पे हम कहेंगे टेंजेंट है लेकिन इंटरसेक्ट भी कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों पे सेम पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे भी दोनों पे सेम पॉइंट मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करा है। तो आपका दो ये दो का मिसकंसेप्शन, एक और मिसकंसेप्शन ये हम मान लो लिख सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तीसरा टेंजेंट एट पॉइंट कैन नॉट क्रॉस द कर्व, मतलब ये कर्व को क्रॉस नहीं करेगा ऐसा। ये देखो ये सेशन रीजन टाइप के सवाल है, मतलब कहीं अगर ऐसा दिखा तो अपने पास हम कह सकते हैं कि नहीं सर ऐसा तो गलत बात कहा गया है। जैसे देखो ये ग्राफ किसका है जरा बताओ, ये ग्राफ जो बना हुआ है किसका ग्राफ बना हुआ है जरा बताओ, तो ये ग्राफ आपका वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना हुआ है, आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इसमें ये देखो किसी एक पॉइंट मान लो ये x एक्सिस पे यानी x इक्वल टू 0,0 पे, ये 0,0 पे अगर हम कहें तो यहाँ पे देखें तो कहें कि हेयर x एक्सिस इज टेंजेंट, हेयर x एक्सिस इज टेंजेंट टू आपका किसका टेंजेंट है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस पे टेंजेंट है और आल्सो देखो और आप देखो ध्यान से तो क्रॉस भी कर रहा है। सर ये हुआ कैसे होगा, एंड आल्सो क्रॉसेस एट 0,0 पर टेंजेंट भी है और उसी पॉइंट पे क्रॉस भी कर रहा है, देख रहा टेंजेंट एट पॉइंट कैन नॉट क्रॉस द कर्व एट सेम पॉइंट। ये है ये वाला कंसेप्शन भी गलत है कि मिसकंसेप्शन है ये भी कि यही उसी पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकते। देखो क्या हुआ क्या होगा कि देखो जहां से ये आए आना चालू हुए होंगे ना ऐसे, ये देखो ये दोनों लोग आ रहे होंगे ऐसे, दोनों लोग आ रहे हैं और इसके बाद अचानक से थोड़ी ना ऐसे कनकेविटी चेंज किया होगा, ये दोनों देखो दोनों ऐसे आ रहे हैं यहाँ पहुंचे और जैसे यहाँ पे ये अपना कनकेविटी चेंज करने के लिए ऊपर गया तो ये जो तीर है ना अंदर वाली टेंजेंट है वो पीछे इसके सहारे ऐसे आगे बढ़ गया। देखो ऐसे यहां से ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे, ध्यान से देख लो यहां से दोनों ऐसे आ रहा है दोनों की यहाँ मुलाकात हुई तो यहाँ पे इसको देखो यहाँ से ऐसे पीछे से ऐसे मुलाकात हुई और यहाँ पे ऐसे मुलाकात हुई यहाँ पे अभी और ये अब इनको क्या करना है, अब इसको अपना कनकेविटी ऊपर करना है, ऊपर कनकेविटी देखो अब ये कनकेविटी ऐसे ऊपर करना है, अभी यहाँ पे है देखो ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे है देखो यहाँ पे और इनको कनकेविटी ऐसे ऊपर करना है। तो जैसे ये ऊपर होने के लिए अपना अपना फंक्शन मोड़ेंगे तो ये वाली आपका लाइन है वो आगे बढ़ जाएगी, इसी के टच करते हुए आगे बढ़ जाएगी। वही है ना मैट्रिक्स वाली कहानी कि मैट्रिक्स में जब गोली मारता है तो ऐसे मुड़ गया तो ऐसे पीछे से निकल जाता है यहाँ से, अरे आजकल तो हर फिल्मों में ये बात आ गया है, ऐसे झुक जाएगा ये ऐसे ऊपर से गोली तो ऐसे निकल जाता है टच करते हुए, जब वो फिर खड़ा होता है तो जब वो गोली का पाथ ट्रेस किया जाएगा तो उसको लगेगा कि वो तो उसको होल करके गई होगी लेकिन उस टाइम में वो पीछे ऐसे मुड़ जाता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे हुआ है कि ऐसे दोनों आए हैं और दोनों की मुलाकात देखो यहाँ पे हो गई, जैसे 0,0 पे आए दोनों की यहाँ पे मुलाकात हो गई और अब ये जो है अपना कनकेविटी यहाँ पे ऐसे चेंज करेगा, अब ये उल्टा घूमेगा, जैसे कोई रस्सी ऐसे है तो आप रस्सी को कभी भी कोई रस्सी ले लेना उसका एक साइड को पेंट कर देना, पेंट करने का मतलब कुछ सफेद या कुछ लाल कलर या कुछ ऐसे इसके चला देना और फिर उसको ऐसे ले जाना, फिर उसको फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे मोड़ना फिर ऐसे मोड़ना देखना, तो वहां पे जो आपका अगर ये व्हाइट कलर ऊपर होगा तो यहां से वो व्हाइट कलर नीचे चला जाएगा, तो ऐसे अपना ऐसे यहां से आया फिर ये मोड़ा और ऐसे मोड़ के चला गया तो x एक्सिस इसका टेंजेंट हो गया और उससे क्रॉस भी कर रहा है। तो ये दो तीन जो मिसकंसेप्शन है उसका हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो कोई भी टेंजेंट होती है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे वो टेंजेंट आती है, गलत है। दूसरा
जो कोई टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट करेगी यह भी गलत है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कंटेक्ट कर सकती है किसी भी कर्व की। तीसरा, किसी कर्व की किसी पॉइंट पे टेंजेंट उसको वहां पे क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी गलत है कि देखो ये क्रॉस भी कर गई। तो ये तरह के जो बातें हैं वो मिसकंसेप्शन है टेंजेंट के बारे में। तो अभी तक हमने स्लोप और ये सारी बातें लिख लिया, तो और अब इसके थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशन आप टेंजेंट वगैरह के बारे में लिखेंगे। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ये सब साफ करते ताकि हमको जगह मिले। तो तीसरे चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, तीसरे चौथे पॉइंट पे आते हैं आपका कि जैसे देखो इंटरसेप्ट, अगर कोई लाइन मैंने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। इसमें आपका m जो है ना वो आपका स्लोप होता है, m जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। और जो c होता है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है, जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। जैसे मान लो मैं छोटा सा एक आपके सामने ऐसे कहूँ कि जो ये खींचा गया है, तो ये वाला जो एंगल है ये इंक्लिनेशन कहलाता है, और इसका m जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। यहीं से अगर m की इसी को थीटा एंगल में tan थीटा निकाल देंगे तो m हो जाएगा। सेकेंड, आपका ये जो लंबाई होती है ना, देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है अंदर का, सेप्ट का मतलब होता है कटिंग, मतलब अंदर का कटा हुआ पार्ट। इंटर का मतलब होता है आपका अंदर का, सेप्ट का मतलब होता है कटिंग, तो यानी अंदर का कटा हुआ पार्ट। तो ये आपका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। देखो ये वाई के लाइन का वाई एक्सिस पे अंदर कटा हुआ पार्ट है, तो ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। ये आपका देखो एक्स एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट है और अंदर का पार्ट है ये, तो ये कहलाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या है। तीसरी चौथी के पांचवी बात है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा ही दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, पी को कभी कई बार एक्स वन कामा वाई वन जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो हो जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है आपका, वन अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कोई पी एक्स वन कामा वाई वन, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन। तो ये आपका निकल के आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। अगर कोई किसी ने कहा छठे नंबर पे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका, ईओटी का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो क्लियर सी बात है, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, आसानी से लिख देते हैं ईओटी मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाता है आपका वाई माइनस वाई वन, जिस पॉइंट पे निकाला जा रहा है एम के जगह पे वही डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है नहीं कि हर बार आपका वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप निकालो। तो ये हो जाएगा आपका P, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाले सेक्शन कोनिक सेक्शन से सिर्फ नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारा अपना एरिया फैलेगा, तो वहां तक रहेगा ये x माइनस x1, ठीक है। आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, ये हो जाएगा y माइनस y1, स्टिल वही 1 अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P, जो पॉइंट आपका x1 कामा y1 है वही, और ये भी x माइनस x1। इतना आपका ये हो गया टेंजेंट और इक्वेशन। बाकी मेरे टेंजेंट के और आपका टेंजेंट के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, मिथ है, वो मैंने बता ही दिया आपको। अब आते हैं फटाफट सवालों की तरफ, रुख करते हैं अपना। जैसे मैंने सवाल आपके सामने रखा, राइट फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों पूछ लेता हूँ मैं। एट किस पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई इक्वल टू सिंपल साइन एक्स का पूछ लेता हूं, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब पॉइंट मैंने दे रखा है। अगर मैं कहूं कि पॉइंट क्या है, पी पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि पॉइंट पी बता दो बच्चों, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर एक्स की वैल्यू पाई बाय टू है, तो इस एक्स की वैल्यू पाई बाय टू के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वाई इक्वल टू साइन पाई बाय टू आपने यूज किया तो वन हो गया, तो पॉइंट पी वाई पाई बाय टू का वन है। ये देखो ऐसे पॉइंट निकालते हैं, सबसे पहले एओडी में पॉइंट निकाला, एओडी के किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स गिवन है तो उसी एक्स को पुट करो जो फंक्शन दे रखा है उसमें, वाई निकाल लो, ये पॉइंट मिल गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रखा है, तो दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना जरूरी है। उसके लिए अपन लोग सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स एट ये एक्स वन कमा वाई वन पुट कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। और किस पॉइंट पे निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका एक्स की वैल्यू है, इसमें एक्स की वैल्यू है पाई बाई टू और वाई की वैल्यू है वन। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है पाई बाई टू, वाई है ही नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये हो गया जीरो। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, अब इसी को हम कहेंगे कि यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे कि ये हो जाएगा आपका वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन, जो भी एक्स वन कामा वाई वन होगा वो अपन देख लेंगे, और ये एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन की जगह पे 1 है, dy वाई बाई डी एक्स आपका 0 है, x माइनस एक्स वन आपका पाई बाई टू है, और फाइनली ये हो गया 0, तो y इक्वल टू 1 आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स वन। फटाफट निकाल लेंगे y माइनस वाई वन की जगह पे क्या पुट करना है भाई बच्चों, वन, और ये वन अपॉन माइनस वन अपॉन जीरो, x माइनस एक्स वन की जगह पे पुट करना है पाई बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे आके जीरो हो गया, और ये माइनस भी इधर आके जीरो हो गया, x माइनस पाई बाई टू, यानी आपका फाइनली आया x इक्वल टू पाई बाई टू, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये छोटा सवाल मैं लिया हूं, और सवाल लेते हैं जरा फटाफट, और जैसे मान लो एक और सवाल मैं ले लेता हूं यहीं पे, जैसे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज कुछ ऐसा सवाल लिखा हुआ है कि इफ, ध्यान से देखो बच्चों सवाल, इफ इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एट माइनस वन कामा वन, माइनस वन कामा वन इज माइनस वन, फाइंड ए कामा बी, ये कोऑर्डिनेट ए कामा बी क्या होगा इसके बारे में अपने को बताना है। तो ध्यान रहे, सुनत रहे आपको क्या करना है। तो पहली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास पॉइंट दे रखा है तो वो पॉइंट कर्व के ऊपर टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वो पॉइंट हमेशा कर्व को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात जो ध्यान देने वाली, याद रखने वाली बात है, क्या कि पॉइंट हमेशा कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या मैं कह रहा हूं, पहली बात ध्यान देने वाली बात कि पॉइंट ऑलवेज, जो भी पॉइंट होगा, अगर स्लोप निकालने की इस पॉइंट पे बोला है, तो तभी जैसे कि कर्व को ऐसी रही होगी, इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकलवाया है, तो ये इस पॉइंट पे स्लोप तभी ये टेंजेंट की जा सकती है जब वो पॉइंट आपका कर्व के ऊपर लाई करे, मतलब पॉइंट सेटिस्फाई कर्व, पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व, ठीक है, पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया जाए, y की जगह पे 1 पुट कर दिया गया और x के जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया गया, प्लस b हो गया, यानी ये आ गया a प्लस b इक्वल टू 1, पहली बात आ गई। दूसरा योग क्या होगा, सवाल में दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy वाई बाई डी एक्स, और इस तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2ax, और इसकी वैल्यू दे रखा है माइनस वन, किस पॉइंट पे अपने को निकालने के लिए कहा था, तो माइनस वन कामा वन, माइनस वन इसमें पुट कर दें, तो ये 2a इज इक्वल टू माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस वन, तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2, a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1/2, a की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, तो अब जरा b की वैल्यू भी निकाला जा सकता है, देखो b यही उठा के रख दिया, यहां से उठा के यहां पर रख दिया, तो b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 1 माइनस a, मतलब 1 माइनस 1/2, तो क्या हो गया आपका 1/2, नो ना, ये आपका बन गया a कामा b इज नथिंग बट a की वैल्यू आपका है 1/2 एंड b की वैल्यू है भी है 1/2, यानी 1/2 कामा 1/2 वो पॉइंट आ गया, या a कामा b हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई। आते हैं अगले सवाल पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने रख दिया गया, सपोज के लिख दिया गया कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो आप इसमें सब चमत्कार चलेगा बिल्कुल अलग, इसमें आपकी जो भी चीजें रहेंगी वो ये नहीं कि जो कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं वही हम उसी को रिपीट करें, तो फिर आपको यहां पढ़ने का नया चैप्टर और नया चीज सीखने का कोई मतलब नहीं निकला, तो इसमें चमत्कार जो भी होगा वो आपको अलग तरह के फंक्शंस के लिए सामने को देखने को मिलेगा। जैसे बोला गया कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, कर्व कुछ भी दिया जा सकता है, दुनिया में प्रेजेंट होने वाली कोई भी कर्व दे सकता है, जैसे सपोज दे दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मॉड एक्स, फिर यहां पे और देखो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2,
और मैंने एक बात बोला था कि जब भी dy by dx निकालना होगा और मॉडुलस फंक्शन होगा, याद करो वो दिन जैया, वो याद करो वो दिन जब आपका वो मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में करा रखा है क्या चीज कि x स्क्वायर माइनस मॉड एक्स में आपका कहा था कि जैसे ही मॉडुलस आएगा आपको इंडिकेटिव रिजल्ट देता है, क्या ये है? देता है इंडिकेटिव रिजल्ट जब भी dy by dx निकालना होता है। तो इंडिकेटिव मतलब ये x इक्वल टू माइनस टू ले लो ना, तभी तो इंडिकेटिव समझ में आएगा कि इंडिकेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पहले कर्व को क्लियरली ओपन कर लो, पहले जैसे ही मॉडुलस आता है तो मॉडुलस खुद से एक सवाल पूछता है कि भाई मेरे अंदर आने वाली क्वांटिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव, पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। अगर निगेटिव होगी तो मैं एक माइनस दे के ओपन होगा, अगर पॉजिटिव होगी तो एडिटिज मैं मतलब निश्चिंत हूं मैं इस बात से। वो रॉबिन हुड वाली कहानी है कि मैं निश्चिंत हूं कि भाई ये चल रहा है अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबसे पहले ये देखा यहाँ पे x को आने वाला x अंदर आने वाले x का वेलकम कैसे करेगा, वेलकम करेगा माइनस टू को देख के। माइनस टू देखा निगेटिव, बोला भाई ये तो निगेटिव आने वाला है, बोला कोई बात नहीं लो हमारी तरफ से, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ले ले एक अपना माइनस x। तो माइनस x दे दिया, माइनस दे लिया तो दोनों मिलके क्या बन गया, ये आपका प्लस हो गया, ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। अब फिर ये मॉडुलस इसको दिखेगा, अब ये फिर ये पूछेगा मॉडुलस, ये वाला मॉडुलस पूछेगा कि भाई हमारा वेलकम कैसे कर रहे हो आप, कैसे वेलकम कर रहे हो। तो ये कहेगा कि आप देख लो ना अंदर कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो माइनस टू पुट होगा, माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर हो गया माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू, ओवरऑल टू पॉजिटिव आने वाला है। इसको देखा पॉजिटिव आने वाला है, कहा हमारा तो पॉजिटिव आने वाला है, ये कहा बिंदास जा जी ले अपनी जिंदगी जैसे है वैसे ही, कोई तुझे छेड़छाड़ नहीं करने वाला। यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू माइनस टू, जस्ट पुट 2 इंटू माइनस टू प्लस 1, नाउ यू विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जस्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जस्ट पुट n माइनस 4 प्लस 1 एनी माइनस 3, दिस इज द आंसर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ध्यान रहे कि जब भी सवाल आपका आएगा तो सवाल क्या कहना चाहता है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अगर मॉडुलस है साइन रहेगा, साइन मॉडुलस मिक्स करके रहेगा, वो सब कॉन्सेप्ट चलेंगे जो अभी तक आप पढ़ चुके हो। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम टेंजेंट और नॉर्मल के अलावा ज्यादातर इसमें काम होगा, यानी डिफ्रेंसिएशन, यानी डिफ्रेंसिएशन का ज्यादातर यूज होगा। अगले सवाल को मैं बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अगला सवाल है, बोलेगा फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू दे रखा है समथिंग t स्क्वायर और माइनस मान लो कि माइनस टी माइनस माइनस 3, ठीक है, माइनस टी माइनस 3 ये बात आपको दे रखा है एट पॉइंट 2, -1 इसी पॉइंट पे निकालना है। तो सर जी कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन हो गया कि सर जी ये पॉइंट किसकी वैल्यू दे रखा है, टी की एक्स की वाई की किसकी दे रखा है, जो ये पॉइंट दे रखा है किसकी दे रखा है। सर जी ऊपर बोला है कर्व एक्स टी में दे रखा है, वाई टी में दे रखा है। बेटा यहाँ पे टी पैरामीटर है, सवाल में लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो समझ लेना कि टी पैरामीटर है। और पैरामीटर मतलब होता ही किस लिए है, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, पैरामीटर होता ही है खत्म होने के लिए, ये दुनिया में आता ही है खत्म होने के लिए, लेकिन खत्म होता है किसी को जिंदा करके, किसी को जिला, किसी को कुछ आपका दे के एहसान करके जाता है। कैसे, इन दोनों को मिला के जाएगा या इन दोनों की वैल्यू दे के जाएगा। तो पहले बताओ अपने लोग डीवाई बाई डीएक्स निकालना है, पहले कह रहा है यहाँ पे हेयर जो पॉइंट है, सोल्यूशन फटाफट देख ले, जो पॉइंट है 2, -1 ये एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स के इसके लिए अपन टी निकालते हैं, जरा एक बार के लिए हम आपको मेन कहानी इसका समझा देते हैं, इसका टी निकालते हैं। जरा देखो इस लाइन को ना, मेरे पास ये जगह दिख रहा है, इस जगह का भरपूर यूज करते हैं, ठीक है ना। अपन लोग ऐसे कंजूस आदमी है जो पूरा यूज करेंगे, बोर्ड का एक एक पोर्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये एक्स की वैल्यू सबसे पहले दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ठीक है। एक्स की जगह पे डाल दिया 2, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। अब ये 2 उधर चला गया, बन गया क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर आपको फटाफट फैक्टर दिख रहे होंगे, टी प्लस 5 और टी माइनस 2,
इज इक्वल टू जीरो, यहां से टी इक्वल टू या तो माइनस फाइव आएगा या तो टी इक्वल टू टू आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है ना, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस वन, और वाई इक्वल टू दुनिया में ऊपर दे रखा है, दुनिया में तो नहीं दे रखा है लेकिन सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री, माइनस वन उठा के पुट किया तो जैसे ही माइनस वन उठा के पुट किया तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री, जैसे हमने ये देखा तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी, वन को इधर ले गया तो माइनस टू इक्वल टू जीरो, आई थिंक सही है। टी इसका फैक्टर किया तो सबको दिख रहा होगा टी माइनस टू टी प्लस वन, बस इतना हमारे लिए अपने लिए काफी है। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू एक टू आई और एक टी की वैल्यू माइनस वन आई। जरा अब यहां से असली कहानी चालू होती है कि सर जी टी की चार वैल्यू तीन वैल्यू आ गई, देखो एक दो तीन तीन, कितनी वैल्यू आई टी की तीन वैल्यू आई, एक ये दो, बाकी ये तो बराबर ही है एक ये। सर जी लेना कौन है, लेना उसको है जो दोनों में है, उसको लेना है जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन वैल्यू आपने ले लिया t इक्वल टू टू ही अपने काम का है। ठीक है, तो अब इसके बाद सर अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, यानी dy by dx निकालना था, तो मैं फटाफट इसको साफ कर देता हूं, dy by dx निकाल लेते हैं। अब जरा देखो dy by dx निकालना है तो अपन लोग कहेंगे dy by dx, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको करा चुका हूं मैं, किसमें तो डिफरेंशिएशन यानी एमओडी में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में करा चुका हूं। डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना है देखो, टू टी प्लस थ्री, टू टी प्लस थ्री, सॉरी भयंकर गलती, ऊपर में देखो टू टी माइनस वन है, वो y को डिफरेंशिएट करना है ना, ये सबके दिमाग में पहले जो होता है वही दिखता है, तो पहले ही हमने देख लिया, और ये हो गया 2t प्लस थ्री। ठीक है, तो dy by dx की वैल्यू हो गई 2t माइनस वन, यानी आपका अच्छा t किस पॉइंट पे निकालना है, t इक्वल टू टू ले लिया तो इसमें पुट करो 2 इंटू टू माइनस वन अपॉन 2 इंटू टू प्लस थ्री, यानी 4 माइनस वन यानी 3, और ये 4 प्लस वन सेवन, dy by dx ये आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इस कर्व का 3 बाई सेवन, बिल्कुल ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, एक सवाल और इसी के बेसिस पे करेंगे, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं बच्चों, अगर दे रखा है इफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू समथिंग टी स्क्वायर माइनस वन एंड y इज इक्वल टू आपका टी स्क्वायर माइनस टू टी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइंड क्या t। ठीक है ना, तो एक दो बातें जरा अपन लोग नोट कर लेंगे, उधर ही नोट कराना चाहिए था लेकिन मैं जस्ट फॉरगेट कर गया, भूल गया वो बात। तो ये चीज आपके सामने, जैसे मान लो कि क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है हमेशा ध्यान रहे जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है वन बाई जीरो। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जीरो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जीरो, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल आपका उस केस में वन बाई जीरो, यानी इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं उसको वन बाई जीरो भी कहेंगे। पहला बात ये लिख लिया हमने, दूसरी बात अगर हम लिखें कि स्लोप ऑफ लाइन, इस बार देखो मैं लाइन लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है उस केस में उसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस वन। जैसे देखो कैसे, सर जी देखो ऐसे और ऐसे, तो ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 135 डिग्री का एंगल है, देखो इक्वली इंक्लाइंड है, ये वाला भी इधर से 45 इधर से 45, ये वाला भी इधर से 45 इधर से 45, तो इस दोनों का वैल्यू आ रही है आपका प्लस माइनस वन। और तीसरा भी पार्ट इसी के साथ साथ लगे हाथ लिख लेते हैं क्या, कि स्लोप ऑफ लाइन कोई भी लाइन हो, और अब सवाल में यहां के सवालों में लाइन की जगह पे टेंजेंट लिख देगा, तो स्लोप ऑफ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, देन स्लोप हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन। ये ध्यान रहे, इतनी बातें अपन लोग ध्यान लेके चलेंगे, बाकी अब आगे इस सवाल पे अपन बात कर लेते हैं। इस सवाल में दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, सॉल्यूशन पे बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपका
कितना टी स्क्वायर माइनस वन और वाई इक्वल टू दे रखा है आपका टी स्क्वायर माइनस टू टी। अपने को डी वाई ने स्लोप बोला है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से मतलब जीरो है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर अपन लोग निकालेंगे उसको जीरो के बराबर कर देंगे, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, डी वाई बाई डी एक्स आपका टू टी माइनस टू अपॉन डी एक्स बाई डी टी आपका हो जाएगा टू टी इक्वल टू जीरो। ये टू से टू, ये टू टी से टू टी जाके इधर आपका जीरो बन गया, ये बन गया आपका टू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो यानी टी इज इक्वल टू वन, ये आपका आंसर हो गया सिंपली। अगले सवाल पे बात कर लेते हैं फटाफट, छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं अभी मैं। क्या है ये, अगर मान लो सवाल कह रहा है कि इफ या बोल रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, जैसे मैं सवाल थोड़ा बदल दे रहा हूं, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व, कर्व दे रखा है और बदलता स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, कोई दो कर्व है, दो कर्व है, कर्व y इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस अंडर रूट x प्लस टू एंड y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स x। बस कहने के लिए दो दो आपको दिख रहा है, अगर हम कहें आपके सामने सिंपली लिखे तो पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो पहले बात की पहले से अपन लोग करते आए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI का मतलब अभी तक ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पढ़ लेंगे पढ़ते इधर मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते अभी तक जान गए होंगे आप लोग कि POI का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 11 से पढ़ रहे हो तो जान गए हो आप लोग कि ये चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इक्वेट बोथ फंक्शन या बोथ कर्व, बोथ कर्व या फंक्शन जो भी आपके सामने रहेगा उनको इक्वेट कर दो। जैसे एक है वाई बराबर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू और एक है वाई बराबर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक बात पढ़े होगे टीएफ के अंदर आईटीएफ और वो भी सेम सेम हो तो आईटीएफ और टीएफ हट जाता है सिर्फ एक्स बच जाता है, इक्वेट कर दो, एक्स बराबर हो गया माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू, इस टू को इधर लेके आ जाओ, एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, स्क्वायरिंग कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसके बाद क्या आ गया इधर में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देखो दो पॉइंट आया एक्स इज इक्वल टू एक आया आपका एक्स माइनस फोर एक फैक्टर आया और एक एक्स माइनस वन फैक्टर आया यानी दो पॉइंट आया एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू वन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू फोर और x इक्वल टू वन आ गया, ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ बच्चों। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, इसके बाद करेंगे x इज इक्वल टू आपको जरा x इक्वल टू जब 4 होगा तो y की वैल्यू रख दो y इक्वल टू 4 और जरा x इज इक्वल टू, हाँ ये चेक करना पड़ेगा कि कौन पे दोनों जगह कॉमन हो रहा है, कौन पे इक्वल वैल्यू आ रहा है। अगर हमने x इक्वल टू 4 इसमें रखा तो y इक्वल टू 4 हुआ, नीचे वाले में इसमें रखा y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रखा x इक्वल टू 4 तो यहाँ पे क्या आया ये आपका आया माइनस अंडर रूट 4 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 0। ठीक है तो देखो क्या बना अपने पास, 4 कामा या तो 4 हो सकता है या तो 4 कामा 0 हो सकता है, ध्यान रहे मैं बताता हूँ कि कौन लेना है कौन नहीं लेना है। x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो y इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे पुट किया तो y इक्वल टू 1 आया, जरा इसमें पुट करके देखते हैं क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये कब पुट किया y इक्वल टू x में पुट किया, अब इसमें पुट करने जा रहे हैं माइनस अंडर रूट x प्लस 2 में, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे देखो ये माइनस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन आया, यहां से भी वन आया यहां से भी वन आया, ये वाला पॉइंट वन कामा वन यही वाला पॉइंट लिया जाएगा टेकन, क्योंकि यही लिया जाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग आ रहा है दोनों कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट मना कर देगा क्योंकि ये y बराबर x की वजह से ये आया हुआ था और y बराबर माइनस अंडर रूट x प्लस 2 की वजह से ये आया हुआ था, तो दोनों की इसलिए हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये वैल्यू दो अलग अलग दे रहा है, ये देखो दोनों पे सेम दे रहा है, दोनों ही पे दोनों ही जगह पुट करने पे सेम दे रहा है, तो पॉइंट ये आया। और आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रखा है,
स्लोप आप क्या पूछ रखा है नॉर्मल, तो अब जरा dy बाई dx निकाल लो, किसी का भी निकाल लो आप, y बराबर चाहे इसका निकाल लो चाहे उस वाले का निकाल लो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालेंगे आपका ये निकल जाएगा dy बाई dx, क्या हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सॉरी जीरो, तो खत्म हो गया। किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे वन कमा वन, वन कमा वन पुट किया, ये क्या आ गया आपका माइनस वन बाई टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना हो गया, यानी स्लोप ऑफ ये आपका क्या बन रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट वन कामा वन, क्या दे दिया ये आपका माइनस वन अपॉन माइनस वन बाई टू, ऊपर जाके आंसर आ गया टू, यही आपका आंसर आ गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कर्व, इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे और इसी कर्व पे अपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना भी था, तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमने निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लिया, बात समझ में आ रही है। और जरा सा चलो ठीक है, इस पे जरा सा और एक दो सवाल और करके फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तो एक दो सवाल और करने के लिए जरा सा मुझे फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, कर्व वाई इज इक्वल टू, कर्व वाई इज इक्वल टू, या फाइंड पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह सिर्फ पॉइंट्स लिख देता हूं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई वेयर टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, यह आपका क्वेश्चन है। क्या है कि आपका ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व के जो ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के वो सारे पॉइंट्स निकाल रहा है जहां पे इसके टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाए, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इस बार गिवेन है, सवाल में अगर देखा जाए तो क्या गिवेन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवेन है, मतलब कितना है वो आपका माइनस वन बाई टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका माइनस वन बाई टू है, आप फटाफट चाहे तो बना ले पहले, फिर आप देखें आराम से इसको सोल्यूशन आराम से देखें, फिर आपका ये आपका है माइनस वन बाई टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवेन है, फिर नेक्स्ट आपका आपका इसका भी जरा हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, जरा निकाल लेते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई दे रखा है, अब इसका स्लोप निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल, ठीक है। अब जरा सबको इधर लेके आना चाहते हैं अपन लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन कर ले तो ध्यान से देखो बच्चों, इधर में बचेगा वन प्लस, ध्यान से देखो ये माइनस वाला इससे मल्टीप्लाई होके इधर आके बन जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला माइनस यही आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, बात समझ में आ रही है ना, तो ये क्या हो गया फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर हो गया आपका माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक काम कर ले यही पुट्टी कर लिए होते इतना लिख निकालने के बजाय यही पुट कर लेते डी वाई बाई डी एक्स तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा फटाफट वैल्यू दे देता, इतना काहे लिए मेहनत करने जाए, यहाँ पे डायरेक्ट इस डी वाई बाई डी एक्स यही तो आपका दे रखा है, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही तो है जिस पॉइंट पे निकालना है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट कर लो, माइनस साइन एक्स प्लस वाई वन माइनस वन बाई टू, जरा ये देखो माइनस वन बाई टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, ये वन बाई टू से वन बाई टू कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, इसको हटाते हैं, क्या बचा अपने पास, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बच गया एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया एक्स प्लस वाई, और उधर साइड में क्या बच गया वन, मतलब साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, जरा बताओ जहां पे साइन एक्स प्लस वाई वन होगा वहां पे कॉस एक्स प्लस वाई क्या होगा, जरा बताओ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन होने से कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना, कोई बता सकता है, जीरो, क्योंकि सर जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई टू रहा होगा या पाई टू पाई प्लस पाई बाई टू रहा होगा, सर पाई बाई टू के ही तो टर्म में चलेगा, अरे बात समझ में, तो cos x plus y, अच्छा एक और हमें इसने सवाल में ऐड करना चाहता हूँ कि वेयर, एक और बात मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि चूंकि ज्यादा आंसर से बचने के लिए मैंने लिख दिया कि 2 पाई से लेके माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई के बीच में है, ठीक है ना, ये आपका माइनस थोड़ा और आपका आंसर थोड़ा कम में आ जाएगा, माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई के बीच में है,
तो cos x plus y equal to 0 हो गया। जरा देखो अब y बराबर कितना हो गया, y बराबर ये है cos x plus y, तो ये आपका है cos x plus y equal to 0 हो गया, तो y बराबर 0 हो गया, यानी cos x plus y, y बराबर 0 हो गया। अब दोबारा इस वाले इक्वेशन का उठा लो, ये कहां से है, ये ओरिजिनल वाली इक्वेशन ये यहां पे आई हुई है। अब cos x plus y को दोबारा ले लिया अपन लोग, cos x plus y equal to 0, y तो आ चुका है, y equal to 0 हो चुकी है, तो cos x बराबर 0 हो गया। अब ये वैल्यू कहां कहां, cos x की वैल्यू कहां कहां 0 होगा, वही आपका पॉइंट हो जाएगा। जरा बताओ cos x की वैल्यू 0 कहां होने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फटाफट ग्राफ बनाओ। कितने तक ग्राफ बनाना है, माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में, क्योंकि x को एक रखा है कि माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में। यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये और ये आपका माइनस 3 पाई बाई 2 है। शानदार, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए भाई, देखो माइनस 3 पाई बाई 2 कामा वाई, तो हर बार 0 है, माइनस पाई बाई 2 कामा 0, पाई बाई 2 कामा 0 एंड 3 पाई बाई 2 कामा 0, यही चार पॉइंट्स होंगे जहां पे ये यहां पे टेंजेंट खींचा जाएगा, तो x प्लस टू वाई के पैरेलल होगा वो टेंजेंट, यानी वो लाइन पैरेलल जाएगी। अगले सवाल की तरफ आते हैं फटाफट, मैं इतने को सॉल्व करके दूसरा सवाल में लिख देता हूं यहीं पे। देखो आपका अगला सवाल आपका कुछ ऐसे है, माना लिख दिया मैंने कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या फाइंड एंगल या फाइन इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन थीटा, फाइन इंक्लिनेशन थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू के ई की पावर के एक्स वेयर इट इंटरसेक्ट, वेयर इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, जहां पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपको इंक्लिनेशन यानी वो आपका स्लोप ऑफ इक्वल एंगल, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम मेड बाय टेंजेंट या स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट भी मैं जोड़ देता हूं इसमें ताकि एकदम बिल्कुल स्लोप पता चल जाए इसमें। तो टेंजेंट के स्लोप के बारे में पता बताना है या एंगल थीटा के बारे में बताना है, तो सबसे पहले अपन लोग पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट के लिए y एक्सिस की बात की गई है, y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो k इंटू e की पावर k इंटू 0 हो जाएगा आपका, यानी ये हो गया k, कितनी वैल्यू आ गई k, तो पॉइंट क्या आ गया फाइनली अपने पास 0 कामा k। dy बाई dx निकाला जाए, dy बाई dx k इंटू e की पावर kx इंटू k, मतलब k स्क्वायर इंटू e की पावर kx, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 कामा k पे, y है ही नहीं तो कोई खास मतलब नहीं है, हमने 0 पुट कर दिया तो 0 पुट करते ही क्या बन गया अपने सामने, ये सिर्फ k स्क्वायर आ गया, और यही आपका tan थीटा के बराबर है क्योंकि यही स्लोप है, तो थीटा बराबर कितना हो गया भाई, यही इंक्लिनेशन पूछ रखा था सवाल में अपनी तरफ से, तो थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स k स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द आंसर, बस ये बात खत्म होती है। अगले सवाल पे फटाफट अपन लोग मूव कर जाते हैं, या अगले सवाल के बजाय अब कॉन्सेप्ट पे, अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करने का मतलब हुआ कि या एक सवाल और लिख ही लेते हैं, एक सवाल और बना लेते हैं, जगह है अपने पास दिख रही है, एक सवाल और बना लेते हैं। जैसे मान लो सवाल अगर मैं आपके सामने रख दूं कि सवाल लिख रख देता हूं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के बजाय नॉर्मल ले लेता हूं ऑफ कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर उस जगह पे निकालना है वेयर ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा आर इक्वल, ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा आर इक्वल, जहां पे ऑर्डिनेट और अब्सिसा इक्वल हो गए वहां पे आपको निकालना है इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं, काम कुछ खास नहीं है, अब्सिसा, अब्सिसा का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, नहीं सॉरी, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, और अब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है कि उस जगह पे आपको निकालना है जहां पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहे हो इक्वल, जैसे
वाई बराबर एक्स अब जहां पे हो रहे हैं वही चीज करना है। तो पहले क्या फर्स्ट फाइंड क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा आपको। पॉइंट वाई की जगह पे एक्स पुट कर दो, एक वाई बराबर है अंडर रूट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक है वाई बराबर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई बराबर एक्स पुट करना है, तो ये हो गया एक्स बराबर अंडर रूट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर बराबर फोर हो गया, तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस रूट टू, जरा ध्यान से देख के निकाल लो, ठीक है। x बराबर प्लस माइनस रूट टू, जिस दिन x की वैल्यू मैंने ले लिया आपका प्लस रूट टू, एक x की वैल्यू ले लिया मैंने माइनस रूट टू। जरा y की वैल्यू निकालते हैं, प्लस रूट टू लिया तो ये आ गया y इज इक्वल टू अंडर रूट में फोर माइनस टू, यानी y इज इक्वल टू आया आपका रूट टू, ठीक है। और ये लिया आपका तो यहां से भी आया अंडर रूट में फोर माइनस टू, तो ये आ गया आपका y इक्वल टू रूट टू, मतलब पॉइंट हो गया आपके सामने, दो दो पॉइंट हो गया, क्या क्या, एक रूट टू कामा रूट टू और एक हो गया माइनस रूट टू कामा रूट टू। किस पॉइंट पे निकालना है, जहां पे आप सीसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो रहे हैं, जहां पे आप सीसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो रहे हैं वहां पे निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे अपन लोग, माना। माना करने के बाद फिर क्या निकालेंगे, ये आपका वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला हमने, वन अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कौन है, रूट टू का मा रूट टू, तो ये आपका हो गया, ये टू से टू कट चुका है, माइनस रूट टू ऊपर बच गया है, अंडर रूट में फोर माइनस रूट टू का स्क्वायर टू हो गया, और ये बच गया ऊपर में रूट टू, नीचे में भी बच गया रूट टू, कट गया आपका, आंसर हो गया माइनस वन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, माइनस वन। कई बार इसी में पूछ लेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछा होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर इक्वेशन, अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा था ना अपने से भाई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो कितना हो जाएगा, टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये चीज आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपका वाई माइनस वाई वन इंटू इक्वल टू एम, एम की जगह पे डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना है वैल्यू देखो, तो कहीं है माइनस वन है, तो माइनस वन और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वाई माइनस वाई वन की जगह पे है रोड टू माइनस वन एक्स माइनस रोड टू, ये आप आंसर निकाल लेना। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हर तरह के, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ कोनिक सेक्शन के फंक्शन नहीं रखे हुए हैं, हर तरह के फंक्शन रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट और उसमें आपका टेंजेंट ऊपर होता है टेंजेंट नीचे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्केविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फटाफट कॉन्केविटी पढ़ते हैं बच्चों।